नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रांच एंड लूप इंस्ट्रक्शंस और मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। इन दोनों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये हमारे क्या है, इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 806 माइक्रोप्रोसेसर। तो 806 माइक्रोप्रोसेसर के जो इंस्ट्रक्शन सेट है, जो निर्देशों के हमारे समूह है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि माइक्रोप्रोसेसर्स एंड माइक्रोकंट्रोलर सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप देख सकते हो। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हो, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे। तो शुरू करते हैं टॉपिक, ब्रांच एंड लूप इंस्ट्रक्शन देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हमारा सीरियल नंबर दे रखा है, इंस्ट्रक्शन दे रखे, निर्देश दे रखा, उसका यूज दे रखा, उसका उपयोग दे रखा है। ठीक है, पहली इंस्ट्रक्शन देखते हैं हमारी कॉल। कॉल इंस्ट्रक्शन हमारी क्या करेगी, कॉल सा प्रोसीजर, एक प्रक्रिया को कॉल करेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आरईटी। आरईटी का क्या मतलब है, रिटर्न फ्रॉम द प्रोसीजर। इस इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल हमारे एक प्रोसीजर, एक प्रक्रिया से रिटर्न वापस आने के लिए किया जाता है। ठीक है, जेएमपी, जेएमपी का क्या मतलब है, जंप करना। ठीक है, तो ये हमारा उपयोग है इन इंस्ट्रक्शन का। ये हमारी क्या, ब्रांच एंड लूप इंस्ट्रक्शन। क्लियर है बात। अब बात करते हैं मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के बारे में। सीरियल नंबर दे रखे हैं यहाँ पर, इंस्ट्रक्शन हमारी यूज है, उपयोग। ठीक है, पहली देखते हैं हमारी एनओपी। एनओपी का मतलब है नो ऑपरेशन। ठीक है, इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, कोई ऑपरेशन नहीं रहेगा हमारा। ठीक है, एचएलडी का क्या मतलब है, होल्ड। होल्ड का मतलब है रुकना। ठीक है, डीआई का क्या मतलब है, डिसेबल इंटरप्ट्स। जो भी इंटरप्ट्स है उनको डिसेबल कर देना, असक्षम कर देना उनको। ठीक है, ईआई, ईआई का क्या मतलब है, अनेबल इंटरप्ट्स। जो इंटरप्ट्स उनको अनेबल कर देना, उनको सक्षम कर देना। ठीक है, ऐसा ही एमसीएम का क्या मतलब है, सेट इंटरप्ट मास्क। इंटरप्ट मास्क को सेट कर देना। क्लियर है बात। आरआईएम का क्या मतलब है, रीसेट इंटरप्ट मास्क। इंटरप्ट मास्क को रीसेट कर देना। क्लियर है बात। तो ये हमारी क्या है, मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस है, और ये हमारी क्या है, ब्रांच एंड लूप इंस्ट्रक्शंस। इन दोनों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। ठीक है, तो पढ़िए और पढ़ाई अपने दोस्तों से शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे तो आप उनको पढ़ा रहे, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा से पहला से कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स का एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।